मैं हूँ अबू माजुरा, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल खबर सीमांचल एक्सप्रेस। मैं अभी अमोर विधानसभा के अमोर प्रखंड के हलालपुर में मौजूद हूँ। आप जो देख रहे हैं बाइक, ये बाइक हैदराबाद से चला के आए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने परेशानी हुई या आप बाइक चला के आने से आपको क्या इंटरेस्ट हुई? और ये बताइए, आप जो बाइक चला के आए हैदराबाद से, तो कितना दिन लगा आपको बाइक चला? तीन दिन लगा। तो आप बीच में कहीं रेस्ट लिए होंगे? वो शाम को। आपको मकसद क्या है बाइक चलाने का? हमको देख के हमारे नए नौजवान जनरेशन को ये मालूम है कि आशीष जमात से मोहब्बत है। आपका नाम क्या हुआ? शाहजहां। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद। पंचायत कहाँ से? आप जो यहाँ ये सभा में आए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस सभा में आने का मेन मकसद है कि हेलीकॉप्टर कोई देखने आता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर देखने आए हैं या असद साहब का भाषण सुने? मैं तो जहाँ तक कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमने जो देखा है, देखने के लिए जो आया, जो सुनने के लिए आया, जो चीज़ हमको समझने के लिए आया है, वो हमें जो अवेसी साहब आए हैं उसके जो बयानात हैं और जो हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसा कैंडिडेट हमको मिला है अख्तरुल ईमान साहब, जो हमने काफ़ी पहले से ही मैंने कांग्रेस को भी और बीजेपी को वोट देकर के देखा है, तो हमारे सीमांचल का ऐसा हाल है, ऐसा बदतर हाल है कि पहाड़ जो आता है उस पहाड़ में हमारे जितने फसल बर्बाद हो जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने इंसान डूब करके मर जाते हैं, इसके लिए कोई नहीं सोचता, ना ही तो कांग्रेस सोचता है, ना ही तो बीजेपी वाले सोचते हैं। एक ऐसा जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब है, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस अमोर विधानसभा में हमें मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी जनता है और जितने भी यहाँ पे आदमी जो भी आया है, वो अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब को जो सुनने के लिए आए थे कि वो क्या चीज़ करते हैं, क्या वो अपने जो जहाँ से वो हैदराबाद से आते हैं तो अपने हैदराबाद के लिए क्या सोचते हैं, इसी तरह हम अख्तरुल ईमान साहब हमको मिला, जो हमारे सीमांचल के लिए जो सोचे और क्या कुछ। 35 साल से अमोर विधानसभा में कांग्रेस का भी विधायक रहे अब्दुल जलील मस्तान साहब, तो आप 35 साल से अब्दुल जलील मस्तान साहब से 35 साल में क्या विकास किए हैं कि आप इनके से नाराज़ हैं? ऐसे नाराज हैं जैसे अभी हमारे अवैसी साहब ने बोला, जो कटान हो रहे हैं वो कहते हैं कि ये कटान नहीं है, ये आसान है, तो इसके बारे में सोचता हूँ, जो हम जो हमारे यहाँ पे कटान हो रहे हैं, तो हमारे बार के लिए वो मस्तान साहब नहीं सोचे, एक बार भी नहीं मिलने गए, वो ऐसा नेता नहीं है जो हमारे पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए हक के लिए कुछ सोचे, कुछ हमारे सीमांचल के लिए सोचे, ऐसा नेता हमको नहीं मिला है, जो हमने 5 साल बीते, 5 साल बर्बाद कर दिया जो अब्दुल जलील मस्तान के पीछे। मेरा नाम नवाज शरीफ है, मैं का रहने वाला हूँ, अमोर पंचायत। क्या बोलना चाहते हैं? जैसा कि हम यही बोलना चाहते हैं, लोगों से खास करके अपील करना चाहेंगे कि आपने 35 साल तक मस्तान साहब को देखा है, तो इस बार 5 साल के लिए असद अख्तर साहब को देखें और असद साहब को मजबूत करें। हम लोग यही चाहते हैं कि एक बार अख्तरुल ईमान साहब को मौका दें और अख्तरुल ईमान साहब को पार्लियामेंट जाने का लोकसभा विधानसभा जाने का मौका दें, और ये जो है तो हक की और गरीबों की मजलूमों की बात करते हैं, और मस्तान जो है, मस्तान जी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उसको आराम की ज़रूरत है, क्योंकि अब उससे काम होने वाला नहीं है, इसलिए हमने चाहा है कि अब नौजवान अख्तर साहब हैं और हमारे हक के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट अमोर विधानसभा के लिए अख्तर साहब है, इसलिए हम सब चाह रहे हैं कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब को मौका देना चाहिए, और लोगों से भी अपील है कि अख्तर साहब को एक बार मौका दीजिए, और 5 साल इसको भी देखते हैं, काम नहीं करेगा तो फिर अपना जैसा है वैसा चलेगा, एक बार मौका देना चाहिए लोगों को। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कहना तो यही चाह रहे हैं मीडिया के थ्रू से और आपके जनता की आवाज़ सीमांचल एक्सप्रेस के थ्रू से यही कहना चाह रहे हैं कि अमोर विधानसभा में पिछले 25-30 साल से
25-30 साल से जो यहाँ का विकास हुआ है, मस्तान साहब की नज़र में हो या शहबाज अफजल साहब की नज़र में हो, हमने जिसको जिस कैंडिडेट को जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया, विधानसभा भेजा और हम लोग अपना रहबर और रहनुमा और कायद समझ करके जिसको हमने विधानसभा भेजने का काम किया और रहबर और रहनुमा और कायद बन करके हमारी मदद नहीं की, हमारी कोई फुरसान हाल नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे अमौर विधानसभा में अब दौरा कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए क्या सूरत हाल है, चाहे वो रोड की स्थिति हो, पुल पुलिया की स्थिति हो, घाट नदी, चाहे किसी भी देख लीजिए, किसी तरीके से भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो कह रहे हैं मस्तान साहब हमने रोड बना दिया है, ये रोड किसका देन है? अरे भाई, रोड तो आप ही का है, MLA फंड का हो या मुख्यमंत्री फंड का हो या प्रधानमंत्री का योजना, जिस तरीके से भी हो, अगर आपको किसी ने कायद या कोई आपको चुना है तो आप जिस काम के लिए मुंतखब हुए हैं उस काम में बखूबी आप अंजाम दीजिए। तीसरी समस्या है कि यहाँ कोई अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज और स्कूल वगैरह नहीं है, इसलिए हम लोग सब ने, सब युवा नौजवान बुज़ुर्ग यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं हालपुर के सरजमीन से एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि सब मिल करके इंशाल्लाह इस बार सदर बिहार जनाब अख्तरुल्लीमान साहब को कामयाब करें और विधानसभा भेजने का काम करें। इंशाल्लाह बिहार और सीमांचल की तस्वीर और तस्वीर बदल कर दें इंशाल्लाह। पंचायत से ताल्लुक रखता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि उनका कार्यकर्ता किसी मतलब प्रोग्राम में आते हैं और बोलते हैं कि ये जो आप रोड में गाड़ी दौड़ाते हैं तो किसके बाप का रोड, ये क्या मस्तान साहब का देन है? ये उसका कर्तव्य है, उसका काम है लोगों का मदद करना। आप जाके देखिए खाड़ी में, आप जाके देखिए धारावाड़ी में, आप जाके शिमलवा, आप जाके तालवाड़ी, जाके देखिए नारा में, लोग कहता है कि ये रोड बना। भाई साहब, आप अमौर से विधायक जी का घर तक जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ है। हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी बच्चे को कुत्ता काट ले, सांप काट ले, सिरसी में हॉस्पिटल है, उसका खुद का हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल में आपको दवाइयां नहीं मिलेगी। उसको एक बंदा चाहिए, अगर किसी भाई हमारे यहाँ पे सीमांचल के लोग या बिहार के ज़्यादातर तबके के लोग बाहर में जाते हैं, दिल्ली, मेरठ, पंजाब और किसी राज्य में जाके काम करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है घर घर में कोई कमाने वाला बाहर है, किसी का घर वाला नहीं है तो उसको क्या खुद जाना पड़ेगा? आने का व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। अगर किसी को पूर्णिया जाने की ज़रूरत होती है तो एक दिन पहले किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ ठिकाना बनाता है, कहीं के उस पार के लोग आके इधर ठिकाना बनाता है, उसके बाद जाके वो पूर्णिया जाके पहुंच पाते हैं। उसको एक दिन के बजाय उसको 3 दिन लगते हैं और परेशानी अलग से, गाँव में मनमानी है, 20 की जगह 30, 30 की जगह 40, जिसको जैसा हुआ पैसा लेते हैं। और विधायक जी का जितना भी कार्यकर्ता है इतना गुंडागर्दी में उतर आया है कि लोगों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में धमकियाँ देता है, बदतमीजी का। भाई इलेक्शन है, अख्तर साहब आज नए आए हैं, MIM नया आया है, जो काम आज हो रहा है ये काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था सीमांचल के अंदर। क्यों इलेक्शन और भी तो पार्टियां लड़ रही है, पार्टी नहीं लड़ रही क्या? अगेंस्ट में होना चाहिए ना, ऑपोजिशन में नहीं होगा तो काम कैसे होगी? काम तो होना चाहिए ना, जब सब छोड़ दे 11 का 11 है तो उससे मुकाबला कीजिए, उससे टक्कर लीजिए। और मनमानी जहाँ हुआ पत्थर फेंक दिया, गाड़ी को अब हुसैन साहब को मारे हैं, इस तरह से गाड़ी उड़ी को फोड़ा है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, युवा पढ़े लिखे हो गए हैं, एक डिग्री कॉलेज है वो भी उसका कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक बच्चों को पता नहीं है, अलीगढ़ जा नहीं सकते, जामिया मिलिया इस्लामिया पहुँच नहीं सकते, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी पहुँच नहीं सकते। क्यों? गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। आज जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आप रिपोर्टिंग करते जगह जगह जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या किए हमारे लिए। हम चाहते हैं कि ऐसा रहबर आए, ऐसा press the bell icon on the YouTube channel and never miss another update.